हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल अवनी यादव एंड वेलकम बैक टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएशन के बारे में, मतलब देखेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन सोशियोलॉजिस्ट ने दिए वो सब देखेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे एसोसिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पसेस। एसोसिएशन लोगों का ऐसा ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है किसी पर्टिकुलर एम को, पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए। टू कंस्टिट्यूट एन एसोसिएशन देयर मस्ट बी अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे मस्ट हैव अ कॉमन पर्पस ऑफ अ स्पेसिफिक नेचर टू परस्यू। किसी भी एसोसिएशन को बनाने के लिए वहाँ पे एक लोगों का, कुछ लोगों का ग्रुप होना ज़रूरी है, और उन लोगों का जो भी ग्रुप होगा उनके पास एक पर्पस होना चाहिए उस एसोसिएशन को आगे पूरा करने के लिए। अब देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ एसोसिएशन बाय सोशियोलॉजिस्ट, मतलब जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एसोसिएशन को लेकर किस तरह की डेफिनेशंस दिए। फर्स्ट इज मैकाइवर, एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम कॉमन सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट। मैकाइवर के अकॉर्डिंग एसोसिएशन क्या है, एक तुरंत मतलब एक प्लान तरीके से बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि कोई इंटरेस्ट होगा, मतलब कोई एक पर्पस होगा, विच द मेंबर्स ऑफ इट शेयर टू ईच अदर, जिसको कि जिस पर्पस को उसके मेंबर्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो मैकाइवर के अकॉर्डिंग ये चीज़ एसोसिएशन है। सेकेंड इज मॉरिस जिन्सबर्ग। अकॉर्डिंग टू हिम एसोसिएशन टू बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्टिव और पर्पस। मॉरिस जिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग ऐसे लोगों का समूह जो कि किसी कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाया गया हो। अब देखते हैं एसोसिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एसोसिएशंस के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ पीपल। एसोसिएशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया गया हो। एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, दिस ग्रुप मे बी स्मॉल और लार्ज एंड मे एक्सटेंड वर्ल्ड वाइड। एसोसिएशन लोगों का समूह है जो कि ग्रुप जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और इतना बड़ा भी हो सकता है कि जो पूरी दुनिया में हो। सेकेंड इज पर्पस ओरिएंटेड, मतलब एसोसिएशंस आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक पर्पसेस। इट मीन्स दैट दे आर पर्पस ओरिएंटेड विच मे बी शॉर्ट और लॉन्ग इलास्टिक। जो एसोसिएशंस होते हैं ये पर्पस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब किसी पार्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये जो पर्पस होता है वो कम टाइम के लिए भी हो सकता है और बहुत बड़ा पर्पस भी हो सकता है। जैसे कि मिलिट्री में होता है ना, किसी मिशन को पूरा करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, तो उस तरह से वो उसको हम एक एसोसिएशन बोल सकते हैं। थर्ड इज मेंबरशिप इज़ ऑप्शनल, मतलब जो एसोसिएशंस होते हैं इसमें मेंबरशिप आपकी वॉलेंट्री भी हो सकती है, आप चाहो तो उसमें मेंबर बन भी सकते हो और उससे विड्रॉ भी कर सकते हो। इन एसोसिएशन द मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री, इट मीन्स दैट इफ़ अ पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन मैटर ही मे जॉइन द मेंबरशिप, बट इफ़ ही लूजेज द इंटरेस्ट ही मे विड्रॉ फ्रॉम मेंबरशिप। मतलब अगर कोई इंसान ने किसी भी ग्रुप को, किसी एसोसिएशन को ज्वाइन किया है तो वो उसका मेंबर बन जाएगा, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट उस ग्रुप से ख़त्म हो जाता है तो वो उस मेंबरशिप को विड्रॉ भी कर सकता है, वहाँ से हट भी सकता है उस एसोसिएशन से। फोर्थ इज टेम्पररी इन नेचर, मतलब जो एसोसिएशन होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। एसोसिएशंस आर टेम्पररी इन नेचर एज दे आर इंटरेस्ट बेस्ड। एसोसिएशंस नेचर में टेम्पररी होते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, ज़्यादा बड़े टाइम तक नहीं होते। वंस द एम और इंटरेस्ट इज़ फुलफिल्ड द एसोसिएशन डिसॉल्व्स। जब एक बार एसोसिएशन का जो एम है जिसके लिए एसोसिएशन बनाया गया है, जब वो एम पूरा हो जाता है तो उसके बाद एसोसिएशन डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिफ्थ इज प्री प्लान्ड, एसोसिएशंस डू नॉट डेवलप स्पॉन्टेनियसली एज दे आर प्री प्लान्ड टू फुलफिल अ पर्टिकुलर पर्पस। जो एसोसिएशंस होते हैं ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होते, ये प्री प्लान्ड होते हैं, मतलब एसोसिएशन को प्लान करके बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पस को या गोल को पूरा करने के लिए। सिक्स्थ इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, एसोसिएशंस आर बेस्ड ऑन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन टू कंसोलिडेट द ग्रुप इफर्ट। जो एसोसिएशंस होते हैं ये कोऑपरेशन पर बेस्ड होते हैं, वी फीलिंग के साथ एक तरह से अटैच होते हैं ग्रुप इफर्ट को कंसोलिडेट करने के लिए।
सेवेंथ इज रोल प्ले. इन एसोसिएशंस एवरी इंडिविजुअल इज अकॉर्डेड अ पार्टिकुलर स्टेटस एंड पीपल परफॉर्म देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू द असाइंड स्टेटस. एसोसिएशंस में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सबको अपना अपना एक स्टेटस होता है और उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको रोल दिया जाता है प्ले करने के लिए. जैसे कि इन अ कमेटी सम आर कमेटी कोऑर्डिनेटर्स, ऑफिस बेयरर्स एंड सम आर ऑर्डिनरी मेम्बर्स. जैसे कोई कम्युनिटी होती है तो कुछ तो उस कम्युनिटी में उसके कोऑर्डिनेटर होंगे, कुछ लोग ऑफिस बेयरर्स होंगे और सेम कम्युनिटी में कुछ लोग उसके मेम्बर्स भी होंगे. नाउ एट इज वी आर पार्ट ऑफ एसोसिएशंस, मतलब हम लोग भी किसी न किसी एसोसिएशन का पार्ट होते हैं. बिकॉज एसोसिएशंस आर ऑर्गेनाइज फॉर पार्टिकुलर पर्पज, सो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइज ग्रुप्स. क्योंकि एसोसिएशंस हमेशा किसी न किसी पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी एसोसिएशन का पार्ट होते हैं. तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है. होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना. और अगर आपको सेम वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.